सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। और व्लॉग चल रहा है भाई। अरे अब मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में आलू प्याज की पकौड़ियाँ बनी है। सो वो मुझे और स्कूबी को खानी है। खानी है ना स्कूबी? हेलो 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 हेलो। हाँ खानी है, खानी है, इसका मतलब खानी है। तो मैं और स्कूबी अभी ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। स्कूबी तो अपनी पेडिग्री है, रॉयल कैनल कुछ खाएगी, और मुझे खाने हैं आलू प्याज के पकौड़े। तो मिलते हैं आगे व्लॉग में। अब तो कुछ बन भी चुकी है, ऑलरेडी गर्म हो रही है। सभी को हाई कर दो एक बार। ये हाई करती है एक्चुअली, जब मैं कहता हूँ ना हाई कर, तो हाई करती है। देखो ये एक्सरसाइज करके हाई करती है, मतलब पूरी बैंड हो जाएगी क्योंकि हाई। स्कूबी चले, स्कूबी एक्सरसाइज कर दो। गजब बेइज्जती है। सो ड्राइव करके देखते हैं यामाहा की FZX कैसी फील करती है। सो गाइज, मैं आ गया हूँ यामाहा बाइक चला के। बहुत ही क्रेजी एक्सपीरियंस था, बहुत मजा है बाइक को चला के। ऐसा फील हो रहा था कि मतलब मेरे लिए बनी है वो, इन फ्यूचर ले लूंगा कभी अगर ले पाया तो। एंड फिलहाल मैं अपने लिए पता है ये भी लेके आया, आधी खा ली है बट दिखा दूँ सबको। डेरी मिल्क फ्रूट एंड नट, ये मेरी फेवरेट है, तो मैं ये भी लेके आया अपने लिए। देन कार, कार की हालत ख़राब हो गई है, कार को ठीक करना। एक्चुअली आगे का टायर पंचर हो गया था, तब से मैंने नोटिस ही नहीं करा, टाइम ही नहीं मिला। तो टायर सही करवाना है, उसका पंक्चर ठीक करवाना है, और वॉशिंग करानी है कार की, और घर का सामान लाना है, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है। तो चलता है फटाफट, पहले तो कुछ खा लूँ मैं। तो अभी निशान भैया के साथ मैं जा रहा हूँ सामान लेने, घर का राशन ही लेने जा रहा हूँ एक्चुअली। तो कौन है ब्लॉग है ये देखो, ये सामान मैं लेके आ रहा हूँ पूरा स्कूटी से, थक गया यार इतना सारा सामान ला गया। चलो चलते हैं फटाफट घर। वो रहे कट्टे, वो मैंने सीढ़ियों से, थक गया मैं बहुत ज़्यादा। इस बाहर से घर का सामान लाने के बाद मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा हैवी नहीं है, बस एक मॉम्स मैजी का पैकेट है, सैंडविचेस है, ओ आलू प्याज के पराठे हैं, और चाय है बूस्टर। फटाफट करते हैं जाते हैं। गाइस तो ब्रेकफास्ट कर लिया मैंने, एंड स्कूबी अब भौंकने लगी है बहुत तेज़, उसे मुझे टॉयलेट पॉटी करवाना है, सुबह से करवानी है। तो स्कूबी को फ्रेश कराते हैं, टैन चलते हैं कार का सामान लेने। सुबह से भाग दौड़ हो रही है, अब तक मैंने कोई रील भी शूट नहीं करी है, ना ही कुछ बनाया है, बस काम कर रहा हूँ घर का। चलते हैं फटाफट स्कूबी को फ्रेश कराने, उसके बाद कार का सामान लेने। लेट्स गो। गुस्से में ऐसे पन्नियाँ काटती है। चले स्कूबी, चले चले स्कूबी, स्कूबी चले चले, कैसे आ रही है गाइस। अब निकाल लिया अपनी बाइक गैराज से, फटाफट चलते हैं बाइक से सामान लेने कार का। तो गाइस ये रही दुकान जहां से मैं अपनी कार का सामान लेने वाला हूँ। आज हम फिलहाल देखते हैं, चलते हैं लेते हैं कार का सामान। गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कार की कंडीशन एक्चुअली में हो कैसी रही है, शौक हो जाओगे सब देख के। बहुत प्यारी कंडीशन हो गई है, ये देखो कार की कंडीशन ऐसी हो गई है। गाइस मैं अभी थोड़ी देर पहले कार देख के आया था, फिर काम कर रहा था, अभी थोड़ा सा हेडेक हो रहा था, तो सडनली उसे कॉल आया, वो बोला कार ठीक हो गई भैया ले जाओ, अब फिर जाओ यार वहाँ पे और फिर लेके आओ, पूरे दिन का शेड्यूल आगे पीछे हो गया है, तो जाना तो पड़ेगा कुछ कार उसके पास है, कार लेके आनी है, देन ड्राइव करके देखूँगा कैसे चल रही है, देन फिर घर आऊँगा, देन शायद रील शूट करूँ क्योंकि आज पोस्ट भी करनी है, मेरे पास पूरी नहीं है ड्राफ्ट में, तो वो भी करना है। तो बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया ये सब चीज़ें बहुत, और मेरे को नींद आ रही है सही बताऊँ तो यार, तबीयत ठीक नहीं लग रही है, बट करना पड़ेगा। तो चलते हैं कार उठाते हैं, ड्राइव मारते हैं, देन घर आते हैं वापस। हाल ही है पेट्रोल पंप से पेट्रोल भी पड़वा लिया है, अब चलते हैं फटाफट घर पे, और गाड़ी तो अच्छी चल रही है। इस समय बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तबीयत ख़राब होने वाली है मेरी कुछ ही देर में, घर चलते हैं फटाफट। फाइनली एट होम, फिलहाल बहुत राहत की सांस मिली मुझे, और भैया पीछे डिग्गी से, मतलब जिन्होंने मैकेनिक भैया को लेके आया साथ में, क्योंकि कवर वर चढ़वाना है गाड़ी पे, बहुत गंदा हो रहा था इसीलिए, नहीं वो और भी कुछ करेंगे, तो बस चलते हैं फटाफट घर पे कवर चढ़ा। गाइस फाइनली गाड़ी खड़ी कर दी है पीछे,
और अब चलते हैं सोने भाई, मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं सोने जा रहा हूँ आज। मुझे लग रहा है व्लॉग का पता नहीं क्या सीन होगा, बट अभी बहुत तबीयत खराब। मैं घर पे आया गाइस और फिर मुझे परेशान करें। स्कूबी क्या सही है यार, फिर से टॉयलेट, फिर पॉटी, फिर टॉयलेट, फिर पॉटी, इतना पीती कैसे करती का हाथ तो नहीं करते इतना। अच्छा फिर से चले स्कूबू यार, ब्रो स्कूबी डार्लिंग सोने दो भैया को, सोने दो। इसे हड्डी देता हूँ, इसकी फेवरेट बोन देता हूँ। स्कूबी हड्डी चाहिए, हड्डी चाहिए, हड्डी चाहिए ना, हड्डी चाहिए, चलो हड्डी देते हैं। कैल्शियम वाली बोन और शायद इसे यही सही है ना। हाँ चुपचाप इसे शांति से खाना और मुझे सोने देना, गुड गर्ल। तो सोने से मुझे दुनिया में पूरी कोई कायनात नहीं रोक सकती। मैं अपना फ़ोन का बंद करने जा रहा हूँ, डाटा एरोप्लेन मोड पे लगाने जा रहा हूँ और सोने जा रहा हूँ भाई। इसे चार्जिंग, ये फ़ोन ऐसी झंझट वाली चीज़ है ना, कॉल पे कॉल और मैसेज कॉल और इंस्टाग्राम तो खोल लो, एक घंटा बर्बाद है आपका यार। हाँ ऊपर से शोर, अब तो मुझे तो आदत हो गई है शोर की, बट शोर शराबा इतना होता है यार। मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ओ सॉरी गुड आफ्टरनून नहीं, बट ठीक है गुड नाइट। गाइस मैंने कहा था कि पूरी कायनात में मुझे सोने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन एक एक है जो मुझे डेफिनेटली रोक रहा है, स्कूबी। गाइस मैंने बहुत सोने की कोशिश करी, लेकिन ये नान खटाई वाला नीचे एक घंटे से नान खटाई की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, सुनाई दे रहा हूँ आपको, तो नहीं सो पाया मैं। राजकुमार बरेली वाले की नान खटाई इतना परेशान कर दिया इसने कि मैं लेके ही आनी पड़ गई मुझे नान खटाई। टेस्टी है तो बहुत टेस्टी। गाइस आप लोगों ने नान खटाई ही कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों ने खाई और आपको कैसी लगती है। ए गाइस बहुत कोशिश करी सोने की लेकिन नहीं सो पाया। पहले तो स्कूबी ने बहुत परेशान करा, उसके बाद वो नान खटाई वाला घंटे भर से घर के नीचे ही नान खटाई ले लो, नान खटाई ले लो, राजकुमार भाई की बरेली की फेमस नान खटाई ले लो। लेकिन मैं कुछ कह भी नहीं सकता था भैया से, क्योंकि भैया अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो यार कोई अपना बिजनेस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, फिर मैं उनसे कहूँ भैया बंद करो और जाओ यहाँ से तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं सुनता रहा फिर मैं लेके आया खाने के लिए यार, फिर मैं गया, मैंने उनसे ली और मैंने कहा भैया थोड़ा सा अपना प्लीज़ अपना ही हल्का कर लो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, सो रहा हूँ तो वैसे भी निकल रहा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ प्लीज़ हल्का कर लो। तो वो खाने के बाद फिर रेडी होने के बाद अभी मैं स्टूडियो में आया हूँ, क्योंकि मेरे को रील शूट करनी है। सो वैसे मैंने कुछ शूट नहीं कराया, मेरे को पार्ट अपलोड करना है मासूम का, सो वो शूट करो एंड दैट्स इट। बहुत बहुत ज़्यादा बिजी दिन गया, सोने की कोशिश करी सो नहीं पाया। अरे हालत ख़राब हो रही है यार, नींद आ रही है बहुत तेज़ और आँखों में भी पेन हो रहा है। चलो काम करते हैं, फिर थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे देन सो जाएंगे। दैट्स इट फॉर द व्लॉग। यू व्हाट्सअप यूट्यूब की पब्लिक, सो गाइस फाइनली मेरे बन चुके हैं रील्स और व्लॉग तो मैं ऑलरेडी शूट कर ही रहा हूँ, चैलेंज वीडियो आज रात मैं करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा काम किया है आज मैं, मतलब मैं डेली करता हूँ, व्लॉग मैं आज दिखा रहा हूँ एंड ऐसी लाइफ है मेरी यार। मैं आपको सच बताऊँ तो ऐसी लाइफ है मेरी, घर के सारे काम मैं करता हूँ, बड़े भैया बिजनेस देखते हैं तो काम काज ये सब मैं ही करता हूँ, और फिर अपना शेड्यूल भी निकालना पड़ता है, अपना काम भी करना पड़ता है, तो ऐसी ही लाइफ रहती है मेरी। दोपहर में सोने की कोशिश करता हूँ, तो उसको भी आप जानते हैं, बाकी नान खटाई वाले तो यही लाइफ है और आई लव दिस लाइफ एंड आई लव यू गाइज ऑल्सो, जो आप मेरी लाइफ का पार्ट बन चुके हो अब। सो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग एंड मैं डेली ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि मैं कंटेंट कैसे, ब्लॉग इसलिए आते नहीं है बट कोशिश कर रहा हूँ बनाना, तो हल्के हल्के करके सीख रहा हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, आई लव यू और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर लव एंड योर टाइम।